किसी रात तालिब को सुलाता था, कभी जाफर को सुलाता था, कभी अकील को सुलाता था, कभी अली को सुलाता था, इसलिए कि मेरे कट जाए। आपकी तवज्जो है या नहीं? आपकी तवज्जो है ना? जो जुमला अर्ज कर रहा हूँ, मेरे कट जाए, मुस्तफ़ा बट जाए, मुस्तफ़ा के बिस्तर, कभी तालिब, कभी जाफर, कभी अकील को, कभी अली को, इसलिए कि मेरे कट जाए, मुस्तफ़ा बच जाए। ये हैं कौन? तालिब, जाफर, अकील, अली। सबसे छोटे हैं अली, तीन भाई हैं बड़े, तालिब, जाफर, अकील। ये तीनों कौन हैं? जो मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। ये तीनों हैं कौन? जो मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान होने के लिए तैयार। मुझे इंसाफ से बताओ, मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान होने वाले इन तीनों भाइयों को अली जैसा समझते हो? ऐसे ही घबरा गए आप, डर के पिछोड़ पे कह रहा हूँ, नहीं समझते भाई, नहीं समझते हम। हम अली के इन तीन भाइयों को अली जैसा, तो कोई तो जाके इन्हें समझाए कि जब मुस्तफ़ा की जगह पे कुर्बान हो जाने वाले अली के तीन भाइयों को हम अली जैसा नहीं समझते, तो मुस्तफ़ा को मैदान में छोड़ के भाग जाने वालों को अली मदीने में नहीं था। तीन दिन के बाद आया। बड़ी मजबूरियां होती हैं हमारी, हम हकायक को भी बयान करने चाहते हैं कैप्सूल बना के, हकायक को भी पूरी तरह से वादे करके बयान नहीं कर पाते। ये तीन दिन के बाद आया है, पता चला अली नहीं बना। इसका मतलब यह कि यह भी जानता था हक अली ही का था। ये समझा कि अली नहीं बना, बन कोई और गया है। नबी को सारी जिंदगी सताता रहा, दीन को परेशान करता रहा, ख्वाहिश थी मुस्तफा का दीन लोगों तक ना पहुंचे। मुस्तफा ने कोशिश क्या की, सारे बंदों को इकट्ठा किया, कबीले खत्म किए, उम्मत वाहिदा बनाई, एक कौम बनाई। इसने सोचा मोहम्मद के दौर में तो दौर नहीं लगा, मोहम्मद के सामने तो मेरी चली नहीं। अब मोहम्मद का विसाल हो गया, पहले दिन ही कोई ऐसा काम करूं कि मोहम्मद की सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। मोहम्मद ने ये किया था ना, मैं पहले ही दिन तकसीम कर दूं। ये सोच के आया है गली में, मौला अली की गली में खड़े होके कहता है, कहां चली गई अब्दे मनाफ की औलाद? अब्दे मनाफ के दो बेटे, चार हैं वैसे, दो बेटे, एक अब्दुशम्स एक हाशम, हाशम की औलाद अली, अब्दुशम्स की औलाद ये। कहता कहां चली गई अब्दे मनाफ की औलाद, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हक अली का था, ये छोटी कौम का बंदा खलीफा बन गया।
ये लफ्ज़ उसके हज़म में कर रहा हूँ। ये छोटी कौम का बंदा खलीफा बन गया, ये जुमला कह रहा था, अली सुन रहे थे, ये जुमला कह के अंदर आया, आके कहता है अली हक तेरा था, यार हक तेरा था, बानफुल आ गया है, अगर तू चाहे तो मदीने की गलियां घोड़ सवारों से भर दूं, उठ क़याम कर, मैं तेरे साथ हूं, हक तेरा है। आपकी पूरी तवज्जो है, ये जुमला कहना था, अली देख के फरमाते हक मेरा ही है लेकिन मैं तेरी नीयत को नहीं जानता। लेकिन मैं तेरी नीयत को भी जानता हूं, तू मेरे हक के लिए बात नहीं कर रहा, तेरी नीयत यह है कि उम्मत को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए, बात अपना भी उम्मत को टुकड़ों में बांट दिया जाए, तेरा मकसद ये है। आज कहते हैं अली शेरे खुदा था, शियों के खिलाफ बात की जाती, ऐसे पागल शिया कहते हैं हक अली का था, खिलाफत अली का हक था, हक के दहा था, छीन लिया फुला 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 ने, अली शेर खुदा नहीं थे? अगर अली का हक होता, दहा का हक होता तो शेर खुदा के मुकाबले पे कोई झगड़ा हो सकता था? छीनना ने कहा अली, बड़ा सादा सा जुमला कहकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है, अली शेर खुदा था, शेर खुदा के मुकाबले फला झूठा थी किसी के कोई याद आता, हक ही नहीं था, इसलिए अली खामोश रहे। इसी तरह नहीं कहा था ये बात, ये शेर खुदा था, अगर हक होता छीन लेता। लो मैं आपको अजमत अली बयान करूं, इनकी समझ नहीं, ये तो धोखा देते हैं ना, मैं आपको बात बताऊं अली खामोश क्यों रहे, शेरे खुदा होते हुए अली खामोश क्यों रहे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, हजारों मरतबा अर्ज करता रहता हूँ। एक बच्चा लेके दो औरतें आ गई, आपने वाकया हजारों मरतबा सुना है, बच्चा एक लेके दो औरतें आ गई, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है, अली कहते हैं गवाह, कहा कोई नहीं, तेरे पास गवाह, कहा कोई नहीं, कहा बेटा एक का है, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, बेटा एक का, दो का नहीं हो सकता, वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है, गवाह उसके पास भी नहीं, गवाह इसके पास भी नहीं, अली ऐसे काजी को कहते हैं जिससे फैसला करने के लिए गवाहों की जरूरत ना हो, जिसे फैसला करने के लिए गवाहों की जरूरत ना हो, जब कहा ना इसने भी मेरा है, इसने भी कहा मेरा है, गवाह कोई नहीं, हजरत अली ने देखे कहा कंबर तलवार लेके आओ, इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा इसे दे दो, आधा इसे दे दो, जब अली ने कहा ना इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा इसे दे दो, आधा इसे दे दो, जिसका अपना था ना जल्दी से बोल के कहते अली मेरा तो नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जो जुमला अर्ज करना चाह रहा, जिसका अपना था ना देख के कहते अली मेरा नहीं, क्यों, इसलिए कि टुकड़े होने से बच जाए, टुकड़े होने से बच जाए चाहे रहे उसके पास, इसका मतलब यह है कि जिसका अपना होना वो टुकड़े नहीं होने देता, वो टुकड़े नहीं होने देता, अली क्यों खामोश रहे, इसलिए कि वो टुकड़े करना चाहता था, अली ने कहा टुकड़े नहीं होने दूंगा चाहे उसके पास रहे, आपकी बड़ी नवाजिश है, आपके बड़ी मेहरबानी है, मैं इन मजालिस में आजकल इस बात को मुसलसल कह रहा हूं और आज भी ये जुमला कहना चाह रहा हूं, पूरे एतमाद से कहना चाह रहा हूं, मौला हुसैन करबला की तरफ गए इसलिए थे ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि वली मुतलक हुसैन है, मदीना इसलिए छोड़ा था, मक्के में इसलिए रहे थे, करबला की तरफ इसलिए गए थे ताकि पता चले वली मुतलक हुसैन है। वली मुतलक किसे कहते हैं? वली मुतलक उसे कहते हैं जिसका कायनात पे हक के तसर्रुफ हो, जो बारी से कायनात हो उसे वली मुतलक कहते हैं। और शियो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, बड़े हौसले से अर्ज कर रहा हूं,
जिसका कायनात पे हक तसर्रुफ हो उसे बली कहते हैं, जो बारिश कायनात हो उसे बली मुतलक कहते हैं। उस दौर के बली मुतलक का नाम है हुसैन, उस दौर के बली मुतलक का नाम है हुसैन, और हकूमत का हक भी हुसैन ही का था। हक के हकूमत भी हुसैन ही का था। सलावत पढ़िए बाबा से। इस जुमले को बार बार कहता हूं, आज भी आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूं, आले मोहम्मद की हकूमत ख्वाहिश नहीं थी, हक था। सलाह करिए बाबा वाजे बुला। आपकी खिदमत में आले मोहम्मद की हकूमत खास नहीं थी, हक था। यह जुमला आप तक पहुंच रहा है ना, आले मोहम्मद की खास नहीं थी, हक था। हर मौके पे अली ने कहा हक मेरा है, हर मौके पे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हक मेरा, मौला हसन ने भी कहा हक मेरा, मौला हुसैन ने भी कहा हक मेरा है। ख्वाहिश होना और बात है और हक होना और बात है। आपकी पूरी तवज्जो है। मौला अपनी खिलाफत के दौर में एक जूते को सी रहे हैं जो अब ज्यादा सीने के काबिल भी नहीं है। जब जूते को सी रहे हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आ जाते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को आते देख के अली फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इस जूते की कीमत क्या है? अब्दुल्ला देख के कहते मौला आपका है ना कीमत नहीं लगा सकता, आपके बाउंस को मस किया है, कीमत नहीं लगा सकता, कीमत नहीं लगा सकता। अगर किसी और का होता तो इस जूते को कोई मुफ्त में भी ना लेता। यह जुमला कहना था। अली देख के फरमाते तुम्हारी हकूमत की कीमत मेरी नजर में इस जूते से भी कम है, तुम्हारी हकूमत की कीमत मेरी नजर में इस जूते से भी काम है। एक और मौके पर मौला इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम जिसे हुकूमत समझते हो ना, जिसे तुम हुकूमत समझते हो, ये भेड़ के नाक से निकलने वाली गलाजत से भी काम समझता हो। आले मोहम्मद हुकूमत के ख्वाहिशमंद नहीं थे, हक इन्हीं का था। तो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, इस निजाम से हटके पहले दौर से आज तक जो भी हुकूमत कर रहा है वो आले मोहम्मद के हक का वारिस है। आपकी पूरी तवज्जो है। दो हाथी, एक सकीफे में बना, एक हाथी गदीर में बना। सकीफे में हाथी आपने बनता देखा, गदीर वाले हाथी को भी आपने बनते देखा है। गदीर में हाथ नबी का था और नबी के हाथ में अली का हाथ था, और हाथी का ऐलान इस तरह किया कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूं उस उसका अली मौला है। आप दूसरे जुमले पे तवज्जो करते हैं कि अली मौला बन गए, मैं पहले जुमले पे तवज्जो कर रहा हूं। नबी कहते हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जुन मौला हो, जिस जिसका मैं मौला हूं उस उसका अली मौला है। अली हर बंदे का मौला हो ही नहीं सकता, अली मौला है ही उसका जो पहले नबी को मौला मानता। बस
بات میری مکمل ہو گئی. ایک ہاتھی سقیفے میں بنا, ایک کائلان قدیر میں ہوا. کربنا میں حسین قدیر کا نمائندہ تھا. آپ کی توجہ ہے, میں نے پوری تاریخ کا نچوڑ آپ کی خدمت میں. کربلا میں حسین غدیر کا نمائندہ تھا اور یزید سقیفے کا تسلسل تھا. سقیفے کے تسلسل کا نام ہے یزید اور غدیر کے نمائندے کا نام ہے حسین. میں نے ایک جملہ کہا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو, سقیفے میں کہا گیا کہ منا امیر و منکم امیر, ایک امیر ہم میں سے ہو ایک امیر تم میں سے ہو. ایرانی شاعر نے ایک شعر کہا ہے, وہ شعر ہی آج کی میری مجلس کی اصل نتیجہ ہے. وہ کہتا ہے, دانی چه روز دختر زہرا اسیر شد, چروز دختر زہرا اسیر شد. پتا ہے آپ کو کہ زہرا زادی کس دن قیدی ہوئی تھی؟ دانی چروز دختر زہرا اسیر شد, روزی کے بیت منا و منکم امیر شد. جس دن منکم اور منا امیر کی بیعت ہوئی تھی نا, زہرا زادی اسی دن سے کہتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی شاید بھی کہتا ہے کہ کربلا سقیفہ کا نتیجہ ہے, اور یہ غلط بات نہیں. اگر حق علی کو مل جاتا کربلا برپا نہ ہوتی. میرے دوستو, میرے بزرگو, میں جملہ کہہ رہا ہوں, علی کو صرف حق نہیں دیا گیا, لوگ علی کے دشمن ہو گئے تھے. اور کربلا میں جو ہوا ہے وہ سب کچھ دشمنی علی میں ہوا. یہ جملہ بھی میں کہتا رہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں. مولا حسین نے کربلا میں پوچھا, بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے حلال کو حرام کیا, حرام کو حلال کیا ہے, میرا قصور کیا ہے؟ سب یک زباں ہو کے کہتے ہیں, تیرا قصور نہیں, بغضاً بابیک, تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کربلا میں دشمنی علی تھی کہ جو حسین اور فرزندان حسین سے دی جا رہی تھی. بس آپ کی توجہ ہے, میں جملہ اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, بیعت کا مطالبہ علی سے بھی کیا گیا, بیعت کا مطالبہ حسین سے بھی کیا گیا. دوستو, بزرگو, سنی شیعہ بھائیو, میں کہا کرتا ہوں, حسین نے سجدے کی ضرب سے بیعت کے مطالبہ کو اس طرح رد کیا کہ پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ سجاد کو کہے کہ تم بیعت کر لو. سجدے کی ضرب سے بیعت کا مطالبہ اس طرح رد کیا کہ کسی کی بات میں ضرورت نہیں ہوئی. سجاد تو سجاد, کسی کی ضرورت یہ بھی نہیں ہوئی کہ جناب سکینہ کو کہو کہ تم بیعت کر لو. بس آپ کی توجہ ہو گئی ہے, میں نے ایک جملہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. شاہ صاحب آ گئے ہیں بعد میں پڑھنے والے, تفصیل مسائل پڑھیں گے. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں, کربلا کی یہ وہ مظلومہ ہے جس کی زندگی کم ہے مسائل زیادہ. کسی دوست کا جملہ ہے, یہ وہ مظلومہ ہے جو ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ آئی, اور بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کی تپتی دیکھ.
اور کربلا کی تپتی ریت سے یہ مظلومہ اٹھی نہیں بلکہ اٹھائی گئی. عزادار جب اٹھائی گئی ہے نا, عسکری صاحب کہتے ہیں بے پلانا اونٹ کی کوہار پہ. اجر کا مل اللہ, اللہ کو سوائے غم اہل بیت کی کوئی غم نہ دے. یہ کارما تھوڑی دور گیا تھا, عسکری صاحب کہتے ہیں چل کے کربلا سے تھوڑی دور گیا تھا, شمر بے غیرت قریب آیا ہے. آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے. ہاں مومن ہے نا, سمجھ رہے ہیں, کوئی نرمی کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے ہر کوئی دو دو ہو کے سوار ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ اس بچی سے حسین کو محبت تھی اسے تنہا سوار ہونا پڑا. سجد وغیرہ سجد و دادارو, چار سالہ بچی بے پلانا اونٹ چند قدم گیا تھا کہ اونٹ کی کوہان سے گر پڑی. روایت کے لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑتا. دادارو بے غیرت قریب آیا ہے, اس نے چار سالہ بچی کو اونٹ کی کوہان پہ اس انداز سے سوار